नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़। में आपके साथ बबलू किलोरिया। नीमच में एक बार फिर उज्जैन की लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पार्षद पति को मौके से पकड़ा है। बता दें कि जो 40 चौराहे के समीप नकुल जैन नाम के व्यक्ति का एक जो शोरूम बन रहा है, जहाँ पर एमओएस के उल्लंघन को लेकर लगातार जो पार्षद वार्ड क्रमांक 20 की पार्षद रानी मसूदी हैं और उसके पति जो साबिर मसूदी है, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार से लोगों से शिकायत करवाई जा रही थी और उसे उठवाने और कार्रवाई नहीं करवाने के एवज में लगातार 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। जिसके बाद आज जो नकुल जैन के हाथों 1,25,000 रुपए रिश्वत देना तय हुआ और उसके बाद लोकायुक्त की टीम पूरी तरह से यहाँ नीमच पहुंच चुकी थी और आज सुबह से ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने जहाँ निर्माणाधीन शोरूम है वहीं पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पार्षद पति जो साबिर मसूदी है उसे पकड़ा है और मौके से करीब 3 घंटे हो गए हैं। यह कार्रवाई को अभी तक अंजाम दिया जा रहा है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो लोकायुक्त के डीएसपी सुनील तालान हैं, उन्होंने बताया है कि इस पूरी कार्रवाई में जो वार्ड क्रमांक 20 की पार्षद जो रानी मसूदी हैं उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। वहीं बता दें कि जो लोकायुक्त उज्जैन के डीएसपी सुनील तालान और राजेश पाठक द्वारा अपनी 10 सदस्यीय टीम के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिले से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनएमएच न्यूज़। आवेदक है नंदकुमार नकुल जैन, पिता श्री नंदकुमार जैन। इन्होंने आवेदन दिया था कि मेरा शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें एमओएस के नाम पे मेरी बार बार शिकायतें होती हैं और उस शिकायतों को दबाने के नाम पे मुझसे बार बार पैसे वसूलने का प्रयास हो रहा है। तो जो हमारे क्षेत्र के 20 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, जो पार्षद रानी मसूदी हैं, उनके हस्बैंड हैं साबिर मसूदी, ये मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। फिर हमने सत्यापन कराया शिकायत का, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को इन्होंने शिकायत की थी 14 तारीख। फिर 15 नवंबर में हमने शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। फिर इन्होंने 1.5 लाख की डिमांड की थी, जिसमें से आवेदक 1 लाख देने का बोल रहे थे, फिर 1.25 लाख रुपये नकद पे समझौता हुआ। तो 1.25 लाख रुपये देते हुए आज हमने इनको इन्हीं के जो निर्माणाधीन शोरूम है नकुल जैन जी का, उस शोरूम पे ही ये पैसे लेने आए थे 40 नंबर के पास, उसी शोरूम से इनको हमने रंगे हाथ पकड़ा है 1.25 लाख। 40 नंबर यानी 40 भारत माता चौराहा। हाँ हाँ जी सर, इनके साथ और जैसे पार्षद प्रतिनिधि दोनों को पकड़ा क्या रहा? हाँ, ये पैसे की डिमांड जो थी वो इन पति पत्नी दोनों की थी, दोनों की शिकायत सत्यापन की है, दोनों द्वारा डिमांड की गई है। तो पति को पैसे लेते पकड़ा है, पत्नी को भी हमने बुलवा लिया है, तो दोनों आरोपी हैं। मेरा नई दुकान का निर्माण कार्य चालू है, तो उस संदर्भ में विधिवत कार्रवाइयाँ जो भी पेपर वर्क रहता है उसमें विघ्न डालने का काम किया जा रहा था कंटिन्यू पिछले 2-3 महीने से, और मैंने लोगों से शिकायतें की जा रही थी जो बिल्कुल ना तो उनके मोबाइल नंबर मैच हो रहे थे ना कुछ, तो लगातार पैसों की डिमांड करी जा रही थी। तो मैंने 14/11/2024 को उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत करी और फिर आज ये कार्रवाई हुई। किसने पैसे मांगे, क्या कुछ रहा था, कितने पैसों की बात हो रही थी, कौन लोग थे? साबिर मसूदी, रानी साबिर मसूदी वार्ड पार्षद, उनकी तरफ से पैसे की डिमांड करी जा रही थी कि मैं तेरी ये शिकायत रुकवा दूंगा, मैं तेरी वो शिकायत रुकवा दूंगा, मैं इसका सेटलमेंट करा दूंगा, उसका सेटलमेंट करा दूंगा, इस विषय में मेरे पे दबाव बना। रुपए मांगे तो कितने में डील दिए भी थे या दे रहे थे पहली बार? क्या था भाई, 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे और 1.25 लाख रुपए में डील तय हुई। सर